कि जो व्यास परिवार का तहखाना है उस तहखाने में नवंबर 1993 तक पूजा हो रही थी, जो पूजा एक राज्य सरकार ने अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के रोक दी। अगर उनको उसके खिलाफ कोई ग्रीवांस था तो उसके लिए उनको अपील में जाना चाहिए था, दोबारा वो एप्लीकेशन नहीं सुनी जा सकती अगर एक बार आदेश पारित हो गया तो। इस पे क्या हुआ? हम लोग ने बहस कर दिया, अब उसके लिए कल कोर्ट ने ऑर्डर दे लगाया। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर 30 जनवरी को सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था, जो आज यानी 31 जनवरी को सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत में हिंदू और मुस्लिम पक्षों के वकीलों की जमकर बहस भी हुई, जिसमें हिंदू पक्ष दावा करता रहा कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा पाठ को उस वक्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था, जिसको दोबारा शुरू करने का अधिकार दिया जाए। देखिए, हमने माननीय न्यायालय में ये एक प्रार्थना पत्र दिया था कि जो व्यास परिवार का तहखाना है उस तहखाने में नवंबर 1993 तक पूजा हो रही थी, जो पूजा एक राज्य सरकार ने अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के रोक दी, और उस तहखाने में कभी भी अंजुमन इंतजामिया कब्जा कर सकता था, तो वहां पर रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाए। 17 जनवरी 2024 को हमारा प्रार्थना पत्र अलाउ कर दिया गया, प्रार्थना पत्र 9 का, पर जो पहली मांग थी हमारी वो तो माननीय न्यायालय ने मान ली, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त किया गया, पर जो दूसरी मांग थी कि वहाँ पर पूजा पाठ चालू कराई जाए नंदी के ठीक सामने, उस पर कोई आदेश नहीं आया है। तो आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। हमने मांग की है कि पूजा पाठ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करे और उनके जो पुजारी हैं वो वहाँ पे भोग प्रसाद आरती और पूजा पाठ शुरू करें। तो ये पूजा पहले कब तक होती चली? नवंबर 1993 तक व्यास परिवार वहाँ पे बराबर पूजा पाठ करता रहा। तो क्या लग रहा है आपको, उम्मीद है कि इसको लेके? देखिए, हमारा केस तो लीगली बहुत स्ट्रांग है, और जो एक इलीगल काम किया गया बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के, सिर्फ ओरल ऑर्डर के माध्यम से, उसको माननीय न्यायालय ने उसके संज्ञान में हम लाए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी सच की लड़ाई है इसमें विजयी होंगे। तो वही मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की। प्रॉपर्टी जो है जिसका मुकदमा दाखिल कर गया 9130 इस पर, उसके अंदर उन्होंने पूरा 9130 लिखा है, 9130 लिखा है, और हमारी मस्जिद पूरे 9130 पर एग्जिस्ट करती है, और वो वक्फ बोर्ड में दर्ज है वक्फ बतौर 100 नंबर, और स्पेशल वक्फ एड से भी बाहर करती है, इसलिए सूट ही चलने लायक नहीं है। व्यास तहखाने वाला जो था, व्यास तहखाने की कोई बात नहीं, उन्होंने एक एप्लीकेशन जो 9C दिया था जिसमें उनको रिसीवर जो तो के लिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, उसका जो रिलीफ भी है उस पर कोर्ट ने उसको नहीं माना था, उसको वो सुनवाई के लिए दोबारा चाह रहे थे कि उस पर भी सुनवाई हो और उस पर बहस कर रहे थे। अगर उनको उसके खिलाफ कोई ग्रीवांस था तो उसके लिए उनको अपील में जाना चाहिए था, दोबारा वो एप्लीकेशन नहीं सुनी जा सकती अगर एक बार आदेश पारित हो गया तो। इस पे क्या हुआ? हम लोग ने बहस कर दिया, अब उसके लिए कल कोर्ट ने ऑर्डर दे लगाया। तो क्या लग रहा है उसको रिजेक्ट ही किया जाएगा? एकदम रिजेक्ट करना चाहिए। व्यास तहखाने में पूजा पाठ को लेकर हिंदू पक्ष वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी विस्तार से बताते हैं। देखिए, 1993 के जो पहले यथास्थिति थी, व्यास जी के तहखाने पर उनका पजेशन था, उनका स्वामित्व था, उनके द्वारा तमाम धार्मिक क्रिया वहाँ करवाया जाता था, पूजा वगैरह कथा, तमाम देवी देवता जो मिले भी हैं सर्वे, एसआई सर्वे के रिपोर्ट के दौरान भी सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से निकल कर आ गई हैं कि वहाँ मूर्तियाँ थी, यानी पूजा पाठ कथा वगैरह सब चलता था, सामने नंदी जी के सामने से रास्ता था। लेकिन 1993 में तत्कालिक सरकार ने बैरिकेटिंग करके उनको पजेशन मुक्त करके कब्जे से बाहर कर दिया, और पूजा पाठ कथा वगैरह सारी धार्मिक क्रियाएं बंद हो गई। उस पर तमाम जो है लोग लगे थे कि इसको किसी प्रकार से जो है कब्जा कर लिया जाए, जिसको देखते हुए उनके ही वरासत वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार पाठक, जो उनके नाती हैं, उनके द्वारा उनकी तरफ से हम लोगों ने याचिका दाखिल किया था कि वो व्यास जी का जो तहखाना है व्यास जी के संबंधित था, उसमें जो है एक जिलाधिकारी को रिसीवर बनाया जाए ताकि कोई कब्जा न हो, किसी प्रकार का तोड़फोड़ नुकसान उस तहखाने का न हो, और पुनः जो है इसमें 1993 तक जो धार्मिक क्रियाएं होती थी, पूजा हो चाहे कथा हो या अन्य भी तमाम धार्मिक क्रियाएं, उसको पुनः बहाल कर दिया जाए। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, UP तक।